पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मुरादाबाद में साइकिल रैली निकाली। इस मौके पर प्रांत संयोजक रामोतार सिंह ने संघ कार्यकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई सोच दी। प्रांत संयोजक ने आह्वान किया कि जब भी किसी घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो तो लोग उसकी सभी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित न करें, बल्कि अस्थियां चुनने जाते समय उसमें मुट्ठी भर राख घर ले आएं, बाद में घर जाकर अपने पूर्वज की स्मृति में एक पौधा लगाएं और वो राख इस पौधे में डाल दें। प्रांत प्रचारक ने कहा कि पौधे में अपने पूर्वज की अस्थियों की राख होने की वजह से लोगों का पौधे से लगाव होगा और वो उसकी ठीक से देखभाल भी करेंगे। प्रांत संयोजक ने कहा कि पौधे के रूप में पूर्वजों की स्मृतियां जिंदा रहेंगी, आने वाली पीढ़ियों को इस पेड़ के फल भी मिलेंगे, इससे पेड़ों के प्रति लोगों में श्रद्धा भावना भी बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। स्मार्ट साउंड धरती माता के लिए, मानव को जगाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए ये मुहिम छेड़ी है। ये मुहिम 26 मार्च दिन शनिवार शनि मंदिर कालिंदी कुंज से प्रारंभ होकर, कालिंदी कुंज नोएडा से प्रारंभ होकर और गाजियाबाद होते हुए बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कांट होते हुए आज हमारे मुरादाबाद महानगर में यह यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसके पीछे हेतु केवल एक ही है, मानव बचाना, प्रकृति का संरक्षण करना। पीछे बीते हुए समय में बहुत बड़ी समस्या यानी कोरोना जैसी महामारी आ गई थी, उस महामारी के कारण से पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार त्राही त्राही मच गया था। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी ग्लासगो में, ब्रिटेन में ग्लासगो है, वहाँ पर दुनिया के 200 राष्ट्र अध्यक्ष G20 पर भी उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत बड़ा संकल्प लिया है और कहा है कि दुनिया को बचाना है, जलवायु को ठीक करना है तो हमको पर्यावरण को ठीक करना पड़ेगा। इसी के तहत मानव कैसे बचेगा, सुरक्षित कैसे होगा, प्रकृति का संरक्षण कैसे होगा, जमीन, जन, जंगल ये सब कैसे बचेंगे, ये बचेंगे तो मानव बचेगा, ये नहीं रहेंगे तो मानव नहीं रहेगा। इसलिए हमने संकल्प लेकर के इस मुहिम को छेड़ा है। ये 11 अप्रैल को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इसका समापन होगा। भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न खंडों, नगरों से, जिलों से होते हुए यात्रा वहाँ पर पहुँचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ मिलकर चलिए, आने वाले समय में आपको भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप भी हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जनता को भी लगेगा कि मीडिया से जुड़े हुए बंधु भी इस कार्य के लिए संकल्पित हैं, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए चल पड़े हैं। इसलिए आपका भी आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।